Hi guys, welcome back to the channel. If you're new here, hi, Kekesh on this side. I'm a doctor from India who has recently started working as a non-training junior doctor in one of the NHS hospitals and it's been 6 months now. And in 6 months, there are a lot of things that happened to me where I wish I knew about this when I joined my first job, when I started working as a NHS doctor. In this video, we are going to cover exactly that. In this video, we will talk about the 6 things that I have learned while working as a junior doctor in the NHS. And these are also the things that I wish that I knew before or when I went for that first NHS job, right? So that confusion, that chaos jo mind mein tha, wo nahi hota. This video ka purpose bahut hi simple sa hai. It's to help you prepare better for your first NHS job so that you don't make the same mistake that I did in my first job. So without further ado, let's get started. इस वीडियो में हम उन चीजों पे बात करेंगे जो हमारी होम कंट्री से डिफरेंट है, राइट? हम मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे बिकॉज वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जो आपके COS में शायद मेंशन्ड होगी, विच इज योर शैडोइंग पीरियड. शैडोइंग पीरियड इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ 2 to 4 weeks जहाँ पे यू बेसिकली गो एंड शैडो योर सीनियर और योर कलीग, या आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो. आप कभी अपने कलीग्स को शैडो कर लो, कभी अपने कंसल्टेंट को शैडो कर लो, कभी अपने नीरज को शैडो कर लो, राइट? दिस इज जस्ट दैट पीरियड सो दैट यू कैन गेट ओरिएंटेड टू द हॉस्पिटल, टू द डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि अच्छा सिस्टम कैसे यूज करना है, बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम इज अ बिग डील हियर. तो ऑनलाइन सिस्टम कैसे यूज करना है वो सीखोगे, कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं वो सीखोगे. इन दिस पीरियड यू वॉन्ट एक्जैक्टली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन यू आर टेकिंग. योर सीनियर्स विल बेसिकली गो थ्रू द प्लान एंड सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी एडेड टू द प्लान. सो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है क्योंकि इस टाइम पे आप चीजें करना सीख रहे हो, राइट? 2 to 4 weeks बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर जॉब और योर करियर, बिकॉज बहुत लंबा पीरियड नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री, बिकॉज द ट्रस्ट नोज दैट यू आर न्यू, एवरीवन नोज दैट यू आर न्यू, और यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स एज इन यू आर अ गुड डॉक्टर, आई एम श्योर यू आर अ टेरिफिक डॉक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको जानना जरूरी होता है, राइट? जैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कहाँ पे कैनुलेशन ट्रॉली है, कहाँ पे ऑनलाइन, कहाँ पे वो सिस्टम में आपको कौन सी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कहाँ पे आप मेडिकेशन ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है. Because the entire NHS, the entire hospital runs on these systems. कहाँ पे आप patient admit कर सकते हो, आप कहाँ पे nurses की notings देख सकते हो, या बाकी departments की notings देख सकते हो, आप medications कहाँ पे add कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको जानने में, आपको करने में time लगता है. And that is exactly why a shadowing period is very important. So make sure that you are getting that shadowing period because that is your right. Okay? अगर आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर कि shadowing period mention है, ask your HR कि भाई मेरा शेडिंग पीरियड है, कितने दिन का मिल रहा है और क्या होता है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि आपको 2 to 4 weeks का शेडिंग पीरियड मिलता है. फॉर 2 weeks यू सपोज टू शेडो योर कलीग और योर डॉक्टर, यू कैन चूज आपको किसको शेडो करना है, समबडी विद इन द डिपार्टमेंट. और एट द एंड ऑफ 2 weeks योर इधर योर एजुकेशन सुपरवाइजर और योर HR विल कम एंड आस्क यू इफ यू आर इफ यू फील कॉन्फिडेंट टू वर्क इंडिपेंडेंटली. एट दैट टाइम आप सोच लो, be honest about it. अगर आपको लगता है कि नहीं, you need 2 more weeks to get oriented to the system, there are some other things that you need to learn, make sure कि आप उनको वो बता रहे हैं. आप ये नहीं बोल रहे कि नहीं कर लूँगा, हो जाएगा, और फिर आपसे नहीं हो रहा है, राइट? सो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली. मैंने अपने शेडोइंग पीरियड को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, टू बी ऑनेस्ट, एंड उसकी वजह से मुझे बाद में थोड़े बहुत इशूज़ हुए, लाइक मुझे बार बार वही सेम चीज़ पूछनी पड़ी, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, राइट? सो प्लीज टेक अ शेडोइंग पीरियड वेरी सीरियसली. स्पेशली तब इंपॉर्टेंट मिल जाता है जब आपने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्लिनिकल अटैचमेंट नहीं किया, तो आपको नहीं पता कि बाकी डिपार्टमेंट्स क्या है, राइट? और यहाँ पे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट एक डॉक्टर नहीं कर रहा है, या एक डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होता है. इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, और हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, राइट? तो मल्टीपल डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं, आप उनको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसलिए शेडोइंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्लिनिकल अटैचमेंट उस हॉस्पिटल में नहीं किए तो. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन एक्यूट मेडिसिन इन QE हॉस्पिटल क्वीन एलिजाबेथ, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ UK, मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अंदर के सब डिपार्टमेंट्स जानने में ही बहुत टाइम लग गया. लाइक मुझे नहीं पता था कि ED कहाँ पर है, सेम डे इमरजेंसी क्लिनिक कहाँ पर है, और बाकी एरियाज ट्रॉलीज कहाँ पर है. सो ये सब जानने में मुझे बहुत टाइम लगा, एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई नेविगेशन स्किल्स एज वेल, बट हाँ, सो इट टेक्स टाइम इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से. शेडोइंग पीरियड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ होती है कॉल्ड टेस्टर वीक. वो टेस्टर वीक के बारे में सबको नहीं पता होता, बट कुछ ट्रस्ट ये प्रोवाइड करते हैं. टेस्टर वीक इज बेसिकली दैट 1 week पीरियड जब आप चाहो तो किसी
डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके वर्क कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्यूट मेडिसिन में जॉब ज्वाइन किया, या मैंने मैं मेडिसिन की डॉक्टर हूँ बट मुझे इंटरेस्ट है कि साइकेट्री कैसे काम करता है, या आई वॉन्ट टू सी कि हाउ इज दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम द साइकेट्री इन इंडिया, तो आई कैन आस्क माई एचआर टू ऑर्गेनाइज अ टेस्ट अ वीक फॉर मी इन द शैडोइंग पीरियड, सो दैट मुझे पता चल जाए कि अच्छा मुझे आगे क्या करना है. जैसे मैंने साइकेट्री में काम किया था इंडिया में, बट जब मैंने साइकेट्री देखा दूसरे हॉस्पिटल्स का, मतलब स्पेशली NHS के हॉस्पिटल्स का, मुझे इतना पसंद नहीं आया, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मुझे मेडिसिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. सो अ टेस्ट अ वीक कैन हेल्प विद दैट. मैंने जब पहली बार अपना जॉब ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था कि टेस्ट अ वीक जैसा कुछ होता है. मैंने सिंपल शेडोइंग की और मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया. बाद में लाइक अराउंड सेकेंड मंथ मुझे पता चला था कि अच्छा टेस्ट अ वीक जैसा कोई चीज़ होता है जो आप ले सकते थे या जिसके बारे में आप पूछ सकते थे व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड योर जॉब और व्हेन यू वर गोइंग टू स्टार्ट योर जॉब. तो या अगर आप किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, सो डेफिनेटली मेल योर एचआर अबाउट इट. नाउ नॉट ऑल द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, बट एक बार पूछना तो बनता है. कम ऑन, मीट योर एजुकेशनल सुपरवाइजर एज सून एज यू कैन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो. अगर आपका प्लान है कि आपको ट्रेनिंग जॉब में काम करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लिनिकल सुपरवाइजर या अपने एजुकेशन सुपरवाइजर से मिलो और बोलो कि ओके मुझे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रेनिंग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एंड आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन दिस, आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रेनिंग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर जॉब या इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आप बताइए कि क्या सही रहेगा, लाइक वॉट ऑल थिंग्स आई शुड डू सो दैट आई कैन बिल्ड माई पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर एजुकेशन और क्लिनिकल सुपरवाइजर, बिकॉज दे आर योर गाइड, राइट? दे नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सिस्टम. दो तरह के सुपरवाइजर्स होते हैं, एक एजुकेशन सुपरवाइजर होता है और एक क्लिनिकल सुपरवाइजर होता है. एजुकेशनल सुपरवाइजर बेसिकली वो होता है जो आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखता है, लाइक आप किस ट्रेनिंग में, आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो, आप कौन से ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शो दोज थिंग्स इन योर पोर्टफोलियो, राइट? अगर आप मेडिसिन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अलग रहेगा कंपेयर टू अगर आप किसी सेक्रेटरी पोजीशन या अगर आप किसी रेडियोलॉजी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, राइट? इसके अलावा हाँ, क्लिनिकल सुपरवाइजर वो होता है जो बेसिकली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्यूटीज एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द डिपार्टमेंट. यूजुअली वो आपका कोई कंसल्टेंट आपके सेम डिपार्टमेंट का होगा, आपका एजुकेशन सुपरवाइजर आपके डिपार्टमेंट का होना जरूरी नहीं है. लाइक बट इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स योर एजुकेशन सुपरवाइजर एंड योर क्लिनिकल सुपरवाइजर द सेम पर्सन. मेरे एजुकेशन सुपरवाइजर एंड क्लिनिकल सुपरवाइजर सेम है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर करियर बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग इन दैट सिस्टम for a long time and though they know everything that you need to know about the system, right? So aapke kuch bhi faltu doubts aap unse pooch sakte hain. Also the people jinse aap baat karoge when it comes to your sick leaves, when it comes to certain problems that you're facing in the department, bullying related ya tension hai ya kuch stress chal raha hai ya you're not unable to cope with your job ya life jo bhi, so basically your education supervisor is the person you need to message. और आपको इस बारे में पता भी होगा, लाइक व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैब एग्जाम्स बहुत सारे क्लिनिकल गवर्नेंस, बहुत सारे ऐसे एथिकल सिनेरियोस थे जहां पे आपको अपने एजुकेशन सुपरवाइजर से बात करना है बिकॉज एजुकेशन सुपरवाइजर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, राइट? ओके, अब सूरज ढल रहा है सो वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाएगी, पहले भी बहुत अच्छी थी नहीं, बट हो जाएगी, सो इट्स फाइन, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्टेंट इफ यू थिंक दैट इट्स गुड. एनीवे, मूविंग ऑन टू योर सुपरवाइजर, सो बेसिकली द समरी इज दैट योर सुपरवाइजर विल बी योर गाइड. They'll discuss your career trajectory with you. Together you can come up with the plan ki bhai mujhe is particular training job mein apply karna hai to mujhe iske liye kya kya karna padega, aur with time aap dekh sakte ho ki acha aap wo sab kar rahe ho ki nahi. Aapko ek portfolio banane ko milega, like you'll get to make an e-portfolio where basically you'll be uploading all those things to show that how you're progressing in your career, right? If you have discussed a case with your consultant, if you have like seen 5 or 6 patients in one night and you've come up with a plan, the management, what all things did you learn from those from examining those people, right? So ye sab type ki choti moti cheeze aap dheere dheere aap mention kar sakte ho. Aapne koi procedure perform kiya, aapne chest drain dala hai, aapne abdominal drain dale hain, kuch bhi aapne dala ho to aap wo mention kar sakte ho. So basically aapko bas update karna hota hai bar bar so that everyone knows ki bhai tum kaam to kar rahe the, tumne kuch to seekha hai is particular job se. Number 3, अब ये चीजें आपको बस प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपके जॉब में, विच इज वर्क ऑन योर टाइपिंग स्पीड इफ यू हैव द चांस. द बिगेस्ट चेंज दैट आई ऑब्जर्व्ड, वैसे मैं ऑब्जर्वेशन में कुछ खास अच्छी तो हूँ नहीं, बट द बिगेस्ट चेंज दैट आई नोटिस्ड व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू यूके वाज दैट यहाँ पे हर पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, राइट? थोड़े कंट्री साइड हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स यहाँ पे फिर भी पेपर बेस्ड काम हो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू द बिग टर्शियरी हॉस्पिटल्स
वहाँ पे हर कुछ ऑनलाइन एंड इट्स अ गेम चेंजर. इट्स रियली नाइस बिकॉज इट्स ईजियर टू मॉनिटर पेशेंट्स, इट्स ईजियर टू एनालाइज पेशेंट्स, इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट विद अदर लाइक अदर डिपार्टमेंट्स, सी देयर नोटिंग्स कि भाई क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में उनके साइड से, या नर्सेज ने क्या किया है, मेडिकेशन ऐड करना, हर चीज़ बहुत आसान है व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन सिस्टम. द ओनली प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम सच अ डेवलप्ड कंट्री, बैक होम बहुत ज़्यादा काम ऑनलाइन नहीं होता है, इसलिए हमारी टाइपिंग थोड़ी स्लो है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम राइट. हाउएवर इससे इम्प्रूव करना लाइक दिस इज द इजिएस्ट थिंग टू इम्प्रूव ऑन. Practice makes perfect, right? So practice as much as you can. मैंने बहुत सारा काम intentionally keyboard पे करना शुरू कर दिया. Like even when I'm typing content for my YouTube videos, मैं वो type करती हूँ instead of like using the phone to type my things. Like मैं keyboard पे type करती हूँ, which is probably the reason why I'm very slow at uploading videos. I'll work on it. It's fine. Is it? So apart from all this, the most helpful video that I could find on YouTube when it comes to improving your typing speed is this video by Ali Abdal. Maine link dal diya hai niche description mein, so you can go check out his video. Again, typing speed is not a major issue, but it's just that mere liye ek hindrance tha. Mujhe laga ki typing speed improve hoti to main kamaal hi kar deti, isliye I'm sharing that in this particular video. And I feel it's so important that I'm thinking about discussing this with my educational supervisor ki bhai it should be part of the induction program, right? कि कैसे आप अपने typing को improve करो so that आप थोड़े थोड़ा speed पे काम कर सको अपने, थोड़ा आप in general ज़्यादा productive रह पाओ. So basic training course should be a part of the junior doctor induction program. That's what I feel. Let's see where that goes. Enough about that. Number 4. Be honest, ask questions because most people are nice. जब मैंने when I joined my job, मुझे basic से चीज़ें भी नहीं आती थी. Like मुझे सिस्टम पे पेशेंट एडमिट करना भी नहीं आता था. मैंने कैसे सीखा? जस्ट बाय आस्किंग पीपल, राइट? नो डाउट इज अ सिली डाउट. ए, इट्स इधर हेल्पिंग यू ग्रो, और बी, यू फाइंडिंग समथिंग आउट. बकवास करिए, पूछ लो यार. जितने जितने दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, बेसिक से बेसिक डाउट्स, पेशेंट कैसे एडमिट करना है, पेशेंट डिस्चार्ज कैसे करना है, मेडिकेशन कैसे ऐड करने हैं, कितना डोज मेडिकेशन का ऐड करना है, बिकॉज प्रोटोकॉल के हिसाब से हमेशा अलग अलग होता है कहाँ पे प्रोटोकॉल देख सकते हो. हर चीज़ पूछ लो यार, जो मिलता है उससे पूछ लो. इन फैक्ट मैंने ये नोटिस किया है कि चलो डॉक्टर्स हमारे पास हेल्प करते हैं, कलीग्स वगैरह सीनियर्स वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको नर्सेस से, वार्ड पीपल से, एच सी ए से आजकल नए आ गए, बट इन जनरल नर्सेस बहुत ज़्यादा जानते हैं बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट दिस, दे हैव बीन वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम, दे नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट द हॉस्पिटल. तो उनको बहुत कुछ पता होता है जो आप उनसे जान सकते हो. सो जो भी आपको डाउट है पूछ लो, लोग हैं हेल्प करने के लिए. ऑल यू गॉट टू डू इज आस्क, राइट? मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि लाइक जितना ज़्यादा हो सके लोगों से बात करो यार. मुझे पता है दैट मैं कभी नहीं सोच सकती थी दैट विद इन द फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ जॉइनिंग एन एनएचएस जॉब एज अ नॉन ट्रेनी, आई बी एबल टू जॉइन अ ट्रेनिंग पोजिशन, आई बी एबल टू गेट अ ट्रेनिंग जॉब, राइट? द ओनली वे इन विच आई कुड डू इट वॉज बिकॉज मेरे पास ऐसे कलीग्स थे जिन्होंने मुझे एनकरेज किया टू sort of apply for the training program. मुझे नहीं पता था क्रेस्ट फॉर्म कहाँ साइन होता है, उन्होंने मुझे हेल्प की क्रेस्ट फॉर्म साइन कराने में. वन ऑफ माई आई एम टी थ्रीज, शाउट आउट टू डॉक्टर रंगराजन, उन्होंने मेरी हेल्प की टू लाइक सॉर्ट ऑफ सेट माई प्रेफरेंसेज बिकॉज आई एम न्यू इन दिस कंट्री, राइट? बट लाइक यूके में आई वॉज वेरी न्यू, मुझे नहीं पता था कि कौन से हॉस्पिटल अच्छे हैं, कौन से ट्रस्ट अच्छे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से प्रोग्राम्स में जाना चाहिए. तो थैंक यू टू ऑल माई सीनियर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल माई कलीग्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि मतलब बहुत हेल्प किया यार उन्होंने. व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंसेस, डॉक्टर रंगराजन हेल्प मी लॉट. व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, मुझे नहीं पता था कि कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, मुझे नहीं पता था कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के, राइट? इन सब चीज़ों के लिए मुझे दिस डॉक्टर, डॉक्टर डैन, ही इज़ एन MT2, ही हेल्प मी विद दैट. एंड यू विल गेट अमेजिंग कलीग्स इन द NHS हॉस्पिटल. ऑल अबाउट लीव्स. सो एज अ जूनियर डॉक्टर यू आर एंटाइटल टू अबाउट 5 weeks ऑफ एनुअल लीव, राइट? एनुअली वो टाइम होता है जब आप कुछ नहीं करना होता है, आप घर जाओ, मस्त चिल करो, जो करने करो, राइट? या आप अलग अलग पूरे साल भर में ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो, बट आपको पहले से एडवांस में अप्लाई करना होता है ताकि आपको लाइन मैनेजर वो देख के एक्सेप्ट कर सके, राइट? आपके रिक्वेस्ट को. एनुअल लीव्स के अलावा स्टडी लीव्स होते हैं, और भी बहुत सारे तरह के लीव्स होते हैं यार. अब इनका ड्यूरेशन हर ट्रस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है. स्टडी लीव का ऐसा है कि आई थिंक मेरे हॉस्पिटल में इट्स अबाउट 15 डेज का स्टडी लीव जो हमें मिलता है, बट आपके हॉस्पिटल में अलग हो सकता है. सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि कितना स्टडी लीव है. गो थ्रू योर वेलकम पैक जो आपको मिला होगा आपके सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप के साथ में, या आपके इंडक्शन के टाइम पे आपको, या ओरिएंटेशन के टाइम पे आपको मिला होगा. एक डॉक्यूमेंट होगा जो मेंशन करेगा कि आपके कितने स्टडी लीव्स होते हैं, कितने बाकी तरह के लीव्स आप ले सकते हो, और
अबाउट एनुअल लीव्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब यू आर अप्लाइंग फॉर एनुअल लीव, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर योर लीव्स इन एडवांस, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लीव्स ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन. या इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू योर होम कंट्री ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, बिकॉज ए टिकट्स बहुत महंगे होते हैं आखिर आखिर टाइम पे, आई लर्न्ड इट द हार्ड वे, और बी लाइन मैनेजर स्पेशली हॉलीडे सीजन में ना बहुत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं. सो ऑलरेडी बहुत लोग अपने रिक्वेस्ट अप्लाई कर चुके होते हैं हॉलीडे सीजन के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर्स के टाइम पे, उन्होंने ऑलरेडी लीव अप्लाई कर चुकी होती है. और मिनिमम कवर इज अ थिंग इन द हॉस्पिटल्स. तो अगर आपने आखिर आखिर में अप्लाई किया है और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो उस दिन में काम करने थे उन्होंने उस टाइम पे एनुअल लीव ले रखा है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका लीव रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? सो आपके एनुअल लीव रिजेक्ट ना हो इसलिए अप्लाई फॉर योर लीव्स इन एडवांस. लास्टली, ये लास्ट पॉइंट अपना, प्लीज एंड थैंक यू इन यूके गोज अ लॉन्ग वे. किसी को कुछ पूछ रहे हो, इट्स इन जनरल अ गुड जेस्चर कि भाई आप थोड़ा स्माइल लेके प्लीज बोल के किसी को भी कुछ बोलोगे तो वो अपनी जान देने को भी रेडी हो जाएगा. दिस इज अ थिंग इन यूके, राइट? सो मेक श्योर दैट ब्रिटिश कल्चर की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत प्लीज एंड थैंक यू. और तुम जितनी जल्दी इस चीज को अपना लो उतना अच्छा है, राइट? किसी भी इंसान को, नॉट जस्ट योर कलीग्स, नर्स या किसी को भी अगर तुम एक स्माइल लेके प्लीज या थैंक यू बोल के कुछ भी बोलोगे वो कर देंगे. आई एम टेलिंग यू, ये ब्रह्मास्त्र है, सीख लो इसको. यहाँ पे ना सॉरी का भी बड़ा चलन है. दे अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग विच इज वेरी अनॉइंग, बट दे अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग हियर. ऑन दैट नोट, आई जस्ट वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर नॉट बींग कंसिस्टेंट विद अपलोडिंग माई कॉन्टेंट, as if the world depends on it. Not being consistent with my videos. I was busy with applying and getting this training job. Stay tuned for a video on that one. But you know what? I'm not. And that's what we are talking about in this video. Har jagah apologize karne ki zarurat nahi hai yaar. We assume that we are expected to apologize for every single minor inconvenience that anyone is going through. Be it the patients, be it the relatives, be it anyone. Aur at times hum apna point nahi rakh pate us cheez ke liye. So wo nahi karna hota hai. Like if you have decided a treatment plan, apologize only when it's necessary. Be sorry for how the patient is feeling, because you are the doctor, you're caring for them. But that does not mean that you're sorry for your treatment plan, because at times ye confusion hota hai, right? When you're apologizing for everything, the relatives think that tum jo treatment kar rahe ho wo galat hai. Be confident with the treatment plan and make sure that the relatives know that dekho, I know ye bahut problematic situation hai, ye basic plap to ki baatein kar rahe hain hum yahan pe, right? But yahi hai jo hona hai, yahi karna hota hai, right? So apologize karte karte apne treatment plan ko nullify mat kar dena, is what I want to say. Be confident about your treatment plan provided you have made the right treatment plan. अगर गलत प्लान है तो भाई अपोलोजाइज एज सून एज यू कैन, ओके? जितनी जल्दी अपोलोजाइज कर लो उतना बेहतर. चलो बहुत बात हो गई, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल. एंड यस, अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट टाइम एट दिस जॉब, यू डिड इट. इसके बाद छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगे यार जिंदगी है, बट कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोस डाउट्स. मुझे नहीं पता होगा तो मैं लोगों से पूछ के बता दूंगी, बट मैं बता दूंगी. कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, टाइम पास करने के लिए इधर उधर मैसेज करने की जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है?